सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। भारत में आए दिन कोई ना कोई लड़की एसिड अटैक का शिकार होती है, लेकिन भारत में इसको लेकर कोई बड़ा कानून अब तक नहीं बनाया गया। ताजा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जिसमें एक स्कूली छात्रा पर दो बाइक सवारों ने एसिड फेंक दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक की संख्याओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर ना तो कोई कानून बना रहा है और ना ही ध्यान दे रहा है। महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक के मामलों पर अगर नजर डालें तो 2018 में 131, 2019 में 150 और 2022 में 105 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 2020 में कुल 18 व्यक्तियों को ऐसे मामलों में दोषी ठहराया गया। ताजा मामला द्वारका का है, जिसमें स्कूली छात्रों पर दो बाइक सवारों ने एसिड फेंक दिया, जिसके बाद लड़की को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि छात्रा की उम्र 17 साल है। छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी, तभी बाइक सवार दो युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिसेज इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे दो बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हर कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। तो वहीं इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अब देखना ये होगा कि द्वारका में हुए इस हमले पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। दिस रिपोर्ट प्राइम टीवी। महिलाओं पे होते हुए ये एसिड अटैक बहुत ही निंदनीय और शर्मिंदगी भरे हैं, जिसे देश और प्रदेश सरकारों को सख्त नियम कानून बनाने की इस पर आवश्यकता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख